अपने को क्या करना है, होम पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके पास क्या आ गया, ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम अप्लाई नाउ पे आ गया। क्यों आया है, क्योंकि मेरी एजुकेशन कम्प्लीट थी। अगर यहाँ पे एजुकेशन कम्प्लीट ना होती तो इंटरव्यू अगर होता तो यहाँ पर मुझे ले सकता ना सूटेबल। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने पढ़ लेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, कंडीशन हैं, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक किया है जो है ना आपके पास कुछ आ गई हैं, एप्लीकेशन कंडीशन आ गई हैं, रेफरेंस इंफॉर्मेशन आ गई है। रेफरेंस पे तो आपको पता ही है आपका रिकमेंडेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर ही जो है आपका रेफरेंस होता है। आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। अच्छा, जो प्रेफरेंसेस वो हैं जो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे कि आपने किस हिसाब से प्रेफरेंस किए हैं, 4 से 5 होती हैं। लास्ट टाइम तो अक्सर यूनिवर्सिटी ऑफर थी कि आप जो है दे सकते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, आपका रिसर्च प्रपोजल, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ गोल्स आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि आप स्कॉलरशिप के दौरान करना क्या चाहते हो, उसके बाद क्या करोगे और क्या क्या होगा, ठीक है ना। इंटरव्यू लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे, लाहौर, इस्लामाबाद, समझो लोकेशन हो वैसे ही। ये सिंपल आपके पास कंडीशन है, अपने स्कूल डॉक्ट कर लेना। जैसे ही आप आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट करेंगे, आपने सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके पास नेक्स्ट आएगा रेफरेंस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने क्या करना है, रेफरेंस पे जब आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वो आपसे यहाँ पे मांगेगा नाम क्या है, आपने बताना है सरनेम क्या। फॉर एग्जाम्पल आप इसको डॉक्टर गुलाम अब्बास, तो डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर गुलाम अब्बास यहाँ पे आ जाएगा, सरनेम यहाँ पे डॉक्टर आ जाएगा। उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल, फ़ोन नंबर अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल है। कंपनी नेम, स्टेशन नेम, वो ना कहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके टाइटल ऑफ पोजिशन, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इंजीनियर है, ये क्या है। रेफरेंस लेटर अगर आपके पास आप फॉर्म में है, आप जो बनवाए आप अपने गलती उसको सेव कर देंगे। फिर आप जाएंगे प्रेफरेंसेज में। प्रेफरेंसेज में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आप इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद अब मेरी एजुकेशन के मुताबिक जो मैंने अपनी एजुकेशन दी थी, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आ गए। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मैं जा सकता हूँ, केमिकल बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री, डिफरेंट यूनिवर्सिटी का। अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग पे करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी की डिटेल जो है शो कराया गया। जैसे ये 3 यूनिवर्सिटीज आ गई, जैसे अब ये अजमेर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ऐसा है, सिटी अजमेर में है, लैंग्वेज जो है उनकी ही है, ये भी है। यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज है, यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश में ये कोई ऑफर नहीं कर रहा। ऐसे ही जब मैंने इस पर क्लिक किया, केमिकल इंजीनियरिंग मोस्टली जो प्रोग्राम हैं ये सारे के सारे देखने का अक्सर ही वो आ गई हैं, यूनिवर्सिटी उनकी आ गई हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो लैंग्वेज उनकी तुर्किशी है। जैसे चाइनीज़ में आप जाएंगे, चाइनीज़ आपको कमी करती है और आप यहाँ पे करते हैं, अपने यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है अपनी मर्ज़ी से। मतलब कि आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं इन सारे प्रोग्राम्स में से। इसका मतलब है कि मेरे पास जो प्रेफरेंस